आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं KMnO4 की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। KMnO4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्वेल्थ के रेस्पेक्ट से और कॉम्पिटिटिव के रेस्पेक्ट से। तो KMnO4 को जब हम बनाते हैं तो KMnO4 के लिए हम यूज करते हैं पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड का फॉर्मूला आता है MnO2। ट्वेल्थ क्लास के लिए क्वेश्चन होता है कि पायरोलुसाइड से हम KMnO4 कैसे बनाएंगे। तो पायरोलुसाइड का फॉर्मूला क्या, MnO2। अब हमने क्या किया, पायरोलुसाइड की रिएक्शन बेसिक मीडियम में KOH के साथ एयर की प्रेजेंस में कराई। जब हम इसकी एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो पायरोलुसाइड मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है और पोटेशियम मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर 6 होती है और इसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, तो हमारा बन गया है क्या, पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट बनाने का एक दूसरा मेथड भी है और इस मेथड में हम क्या करते हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को KOH की प्रेजेंस में KNO3 और एयर से ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है ना, ये शॉर्ट में रिएक्शन है तो हमें MnO4-2 बन जाता है और MnO4-2 का कलर कैसा होगा, ग्रीन। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने मैग्नेट आयन बनाया है या मैग्नेट कंपाउंड बनाया उसको हम परमैग्नेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मैग्नेट से परमैग्नेट में कन्वर्ट करने के दो या तीन मेथड हैं, तो हम देखते हैं वो दो और तीन मेथड कौन से हैं। जब हम KMnO4 की रिएक्शन Cl2 से करते हैं तो Cl2K2MnO4 मतलब मैग्नेट को परमैग्नेट में कन्वर्ट कर देती है और खुद KCl में कन्वर्ट हो जाती है। ट्वेल्थ के बच्चों को ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। अब कॉम्पिटिटिव वालों के लिए क्या, कॉम्पिटिटिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ये तो पोटेशियम मैग्नेट है, ये क्लोरीन और ये पोटेशियम परमैग्नेट, इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा। तो हम यहां पर देख सकते हैं क्योंकि Cl2 ने K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब क्लोरीन मैग्नेट से ज्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग है। हम इसके चलते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। सेकेंड मेथड में क्या होता है, जब हम परमैग्नेट को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेट होने की शर्त यह है कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ना तो हाईएस्ट होनी चाहिए और ना ही लोएस्ट होनी चाहिए। मींस मैग्नीज 7th ग्रुप का एलिमेंट है तो +7 में इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, लेकिन 7 से सारी जो कम ऑक्सीडेशन नंबर होंगी उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। तो जब हम MnO4-2 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो एक तो हमें MnO4 पर मैग्नेट मिल जाएगा, दूसरा MnO2 मिल जाएगा। ठीक है, और ये MnO2 इसमें इम्प्यूरिटीज की तरह एग्जिस्ट करता है, इसलिए जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो KMnO4 को प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं लेते हैं। ये JEE में आने वाला आ चुका क्वेश्चन है कि KMnO4 और K2Cr2O7 में से हम किसको एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड लेंगे। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हम लेते हैं K2Cr2O7 को और KMnO4 को नहीं लेते, क्योंकि KMnO4 में बाय डिफॉल्ट MnO2 की इम्प्यूरिटीज होती है, तो जो हम मोलैरिटी यूज करेंगे वो गलत आएगी और टाइट्रेशन गलत हो जाएगा। बिल्कुल प्योर परमैग्नेट बनाने का मेथड है कि हम MnO4 की रिएक्शन इलेक्ट्रिक मीडियम में कराते हैं। जब हम मैग्नेट की रिएक्शन इलेक्ट्रिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो मैग्नीज +6 से +7 में कन्वर्ट हो जाता है और +7 में इसका नाम परमैग्नेट होता है। यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात और, सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, केमिकली सबसे स्ट्रांग होता है H4XCO6 जिसकी वैल्यू 3.05 होती है और उससे कम होता है फ्लोरीन। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन में आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा स्ट्रांग ना तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ना ही कोई स्ट्रांग रिड्यूसिंग। ओके,
तो हमने KMnO4 बना लिया है, तो Mn की ऑक्सीडेशन हुआ, MnO4 नेगेटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन बनेगा, जिसको हम कहेंगे पर मैग्नेट। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। हम इसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि ये एक पर्पल वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो कोल्ड वाटर में बहुत कम सॉल्युबल और हॉट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो जब हम KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं, हीट करने पर यह पोटेशियम डाइक्रोमेट की तरह डिकम्पोज हो जाता है और पोटेशियम मैग्नेट MnO2 और O2 देता है। पोटेशियम मैग्नेट का कलर ग्रीन होता है, जबकि MnO2 का कलर ब्राउन, लाइट ब्राउन होता है, तो कुछ लोग इसको कलरलेस भी बोल देते हैं। ठीक है, जब हम KMnO4 की रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं, तब भी ये ग्रीन कलर के पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम KMnO4 को हीट करें या एल्कली से रिएक्ट कराएं तो ये ग्रीन कलर के परमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि pH का क्या इफेक्ट। तो बेसिक मीडियम में ये ग्रीन कलर दिखाएगा, जबकि एसिडिक मीडियम में ये वायलेट हो जाएगा। अब आइए इसकी स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। लेकिन अगर हम थोड़े बड़े लेवल पे चले जाएं, क्योंकि मैग्नीज में एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है ना, तो हम इसकी 3d को यूज कर लेते हैं और इसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp भी होती है, ds या फिर sp3। 12th लेवल पर sp3 और 12th लेवल पर sp3 और कॉम्पिटेटिव लेवल पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी d3s। एक और इंपॉर्टेंट बात, कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर या तो ऑक्सीजन के साथ दिखाएगा या फिर फ्लोरीन के साथ दिखाएगा, ठीक है ना। क्यों दिखाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, फ्लोरीन की 4.0 और ऑक्सीजन की 3.5। अब इन दोनों में से पूछ ले किसके साथ ज्यादा स्टेबल होगी, तो कोई भी हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के साथ में ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, तो ये मेटल के साथ में बैक बॉन्डिंग कर लेता है, जिससे मेटल की हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के साथ में स्टेबल हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। KMnO4 अलग अलग 3 मीडियम में रिएक्ट करता है, और पहला मीडियम होता है एसिडिक। एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन्स लेकर Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका जो E0 सेल है उसकी वैल्यू 1.51 वोल्ट होती है। जबकि न्यूट्रल मीडियम में MnO4 3 इलेक्ट्रॉन और 2 H2O के साथ में MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और 4OH, और इसका E0 की वैल्यू 1.69 है, और इसमें बनता है MnO2। और बेसिक मीडियम में KMnO4 या MnO4 नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन लेकर MnO2-2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका पोटेंशियल 0.56 वोल्ट होता है। इसका मतलब हमने यहाँ देखकर सीखा कि सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये न्यूट्रल मीडियम में होगा, उसके बाद एसिडिक मीडियम में, और सबसे कम बेसिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम चॉइस में नहीं हो तो हम उसको न्यूट्रल ही मान लेते हैं, मतलब बेसिक और न्यूट्रल को एक मान के भी प्रॉब्लम की जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में जब हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो 158 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्विवेलेंट वेट 31.6 हो जाएगा। जबकि न्यूट्रल मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट 158 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू होगा 52.6, और बेसिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट 158 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम में ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करता है। पर बच्चों, अगर 158 बेसिक में नहीं दिया है तो हम न्यूट्रल को ही बेसिक मानते हैं, और ये क्वेश्चन सारे ही एग्जामों में पूछा जा चुका है।
मैंने लास्ट वीडियो में K2Cr2O7 में आपको बताया था कि Fe+2 किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में Fe+2 में कन्वर्ट होता है, S-2 सल्फर में, सल्फर हुआ तो SO3 तक जाएगा, SN+2 हुआ तो SN+4, और ऑक्सलेट हुआ तो हमेशा CO2 बनेगी, X- हुआ तो X2 बनेगी, X- हुआ तो XO3 बन जाएगा, अगर Cl- हुआ तो बच्चों Cl2 बन जाएगा, जैसे I- से I2 बन जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि आयोडीन माइनस एल्कलाइन KMnO4 के साथ सीधा ही IO3- में कन्वर्ट हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे को आना चाहिए, बाकी कोई आ गया तो I2 बनाएंगे। अब NO2- NO3- में चेंज हो जाएगा और SO3- 2 SO4- 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये थायोसल्फेट बोलते हैं या हाइपो, ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका लॉजिक क्या है, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा फर्स्ट वाला, और ये जब एक इलेक्ट्रॉन देगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीडाइजिंग को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन देकर हायर ऑक्सीडेशन नंबर में चला जाएगा और दूसरा लेकर लोअर में चला जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों, ये एसिडिक और न्यूट्रल वाली आप रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी। हमने ऑक्सलेट के साथ में रिएक्शन कराई, ऑक्सलेट की रिएक्शन देखते ही हमने एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन ऊपर से कॉपी पेस्ट कर ली जो आपके दिमाग में पेस्ट थी। अब ऑक्सलेट हमें पता है हमेशा CO2 में ही कन्वर्ट होगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, 2। अब Mn को चाहिए 5 और ऑक्सलेट ने लूज किए 2, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने के लिए हमने एक को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे को 2 से, और सारी इक्वेशनों को ऐड करके नीचे लिख दे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आजकल एग्जाम में ऑक्सलेट वाली जो रिएक्शन है उसमें ये रिएक्शन को H2 ऐसे करके दे देता है कि ऑक्सलिक एसिड की रिएक्शन कराओ, तो जब ऑक्सलिक एसिड की रिएक्शन कराएगा तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या होगा, 2H+ और आ जाएगा। जब 2H+ आ जाएंगे तो जब हम टोटल H लूज करेंगे तो अब हमने इसको क्या किया, कितने से मल्टीप्लाई कर लिया, हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई भी किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10H हो जाएंगे और 10 से ये 16H कट जाएंगे, तो फिर ये रिएक्शन ठीक है ना, कितने H+ बनेगी। अब कुछ बच्चे इसको जब याद कर लेते हैं तो वो 16H देखते ही ठीक कर देते हैं और रिएक्शन गलत हो जाती है, तो बच्चों ध्यान रखना, ऑक्सलेट आयन आया तो 16H आएंगे और ऑक्सलिक एसिड आया तो फिर हमको सिर्फ 6H मिले। अब हम रिएक्शन करते हैं, अगली रिएक्शन है KI के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन KI के साथ करेंगे तो बच्चों ये तो आप जानते ही हो, फिक्स रिएक्शन है, हमने कॉपी कर ली। अब 2I- हमने यहाँ देखा है, I- हमेशा I2 में कन्वर्ट होता है, तो हमने 2I- को I2 में कन्वर्ट कर दिया और इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, KMnO4 वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और I वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके ऐड कर देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं H2S के साथ। जब हम H2S के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों ये तो देखो फिक्स है ही, हमने इसको लिया और कॉपी कर लिया, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, आप चाहे हंस के करो या रो रो के करो कि कैसे याद होगी, याद करनी ही पड़ेगी। और जो सल्फर माइनस टू था H2S का, वो हम जानते हैं हमेशा सल्फर में ही कन्वर्ट होता है, फिक्स है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करने के लिए हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको कर दिया कितने से, 5 को, दोनों के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, दोनों को ऐड करके लिख दिया। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे SnCl2 के साथ में। SnCl2 में टिन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो हमने क्या किया, MnO4 वाली इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लिया
और 10+2 को यहाँ लिख लिया क्योंकि Cl के इसमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगी क्योंकि वो लोएस्ट में है। तो अब जो Sn में +2 था, हम जानते हैं ये हमेशा +4 में कन्वर्ट होगा और इस सारे ही प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 2। दोनों के इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस को हम बैलेंस करके लिख देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं KMnO4 की कुछ और रे। जब हम KMnO4 के नेक्स्ट रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हमने एसिडिक मीडियम में MnO4 की रिएक्शन को फिर से कॉपी कर लिया। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Mn प्लस 2 और 4H2। अब जो NO2 है वो बच्चों हमेशा ही NO3 में कन्वर्ट होता है, लेकिन NO3 के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए तो हमने एक H2 की रिएक्शन कराई जिससे ये तो NO3 में कन्वर्ट हो गया और ये 2H प्लस बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन को हमें बराबर करना है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे को हम कर देंगे कितने से बच्चों मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे हम कितने से, 2 से। ठीक है, और दोनों रिएक्शंस को ऐड करके लिख देंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। जब हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ, तो हमने MnO4 की रिएक्शन को एज इट इज फिर से कॉपी कर लिया और हम जानते हैं SO2 SO3 या सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर सल्फेट बनाएंगे तो हम 2 ऑक्सीजन जोड़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर SO3 बनाया है और SO3 बनाने के लिए एक H2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 हो गई। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करने के लिए KMnO4 वाली इक्वेशन को 2 से और SO2 वाली इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम KMnO4 की नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे FeSO4 के साथ में। FeSO4 में सल्फेट का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन 6 है, तो इसमें आयरन +2 था। हमने सबसे पहले MnO4 को एज इट इज कॉपी किया, ठीक है ना। जब हमने इसको एज इट इज कॉपी कर लिया तो हमने MnO4 वाली इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लिया और क्या देखा, वही इक्वेशन बार बार आ रही है। ये आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, आपको हर हालत में लर्न करनी पड़ेगी। और हमने क्या किया, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर दिया। ये फिक्स है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ Fe+2+3 में कन्वर्ट होता है। अगर हम इस KMnO4 की जगह ओजोन H2O2 H2SO4 HNO3 या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेते तब भी Fe+2 Fe+3 में ही कन्वर्ट होता। अब हम देखते हैं सल्फाइड के साथ रिएक्शन। सल्फाइड का मतलब SO3-2। हमने MnO4 वाली रिएक्शन को एज इट इज कॉपी कर लिया और आप देख सकते हैं SO3- जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो SO3- हमेशा सल्फेट में कन्वर्ट होता है, सल्फेट में कन्वर्ट होगा और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का चेंज आएगा। तो MnO4 वाली रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 10 इलेक्ट्रॉन कर लिए और SO3 वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 इलेक्ट्रॉन कर लिए। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए और दोनों इक्वेशंस को ऐड करके लिख दी। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शन की तरफ। जब हम KI के साथ एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो I- हमेशा I2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब हम एल्कलाइन मीडियम में करते हैं तो अब बच्चों नोटिस करना I- सीधा ही IO3 में कन्वर्ट हो जाएगा और MnO4 अब Mn+2 नहीं बनाएगा जैसा एसिडिक में बन रहा था। अब ये बनाएगा बच्चों MnO2। तो आप देख सकते हैं MnO4 नेगेटिव,
तो बदल जाएगा MnO2 में और I माइनस कन्वर्ट हो जाएगा IO3। अब हम इसकी लास्ट केमिकल रिएक्शन, सेकंड लास्ट केमिकल रिएक्शन, जब हम थायोसल्फेट से इसकी रिएक्शन कराते हैं, थायोसल्फेट से रिएक्शन कराने पर ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये दो रिएक्शन कॉम्पिटिटिव और ट्वेल्थ दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जब हम अल्कलाइन के MnO4 की रिएक्शन कराते हैं, ये ऑर्गेनिक में ज्यादा डिटेल में है, तो हम इसको बेयर्स रिजेंट कहते हैं। इसकी जगह हम न्यूट्रल के MnO4 भी लगा यूज कर सकते हैं और वहां पर इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोक्सिलेशन होता है। हाइड्रोक्सिलेशन का मींस है कि एल्कीन को या डबल एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हम दो OH लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, इसके बीच में से पाई बॉन्ड को ब्रेक किया और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हमने दो OH लगा दिए और MnO2 कलरलेस हो गया। जब हम तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और अल्कलाइन के MnO4 डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH लगाता और ये सिस डायोल बनाता। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट है, जब हम MnO4 की रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में Mn+2 से कराते हैं, मतलब MnSO4 से, तो अब हमें पता है MnO4 अल्कलाइन मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है और Mn+2 भी MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और आ सकती है और लास्ट रिएक्शन, जब हम KMnO4 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड बन जाता है। ये रिएक्शन प्योर कॉम्पिटिटिव के लिए, ट्वेल्थ में ऐसी कोई रिएक्शन NCERT में गिवन नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एक दो मिनट की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करने। जो SnCl2 है, SnCl2 इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, कभी भी आ जाए तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है SnCl2 के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में और H2S के बारे में। ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब हम SnCl2 से HgCl2 कैलोमल का रिडक्शन करते हैं तो हमको Hg मिल जाता है, और अगर हम इसकी रिएक्शन HgCl2 के साथ करते हैं मर्क्यूरिक सब्लिमेट, तो पहले हमें HgCl2 मिलता है जो बाद में Hg में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम SnCl2 की रिएक्शन Fe से कराते हैं तो SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा और आयरन Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि आयरन +2 किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में +3 में कन्वर्ट होता है और आयरन +3 किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में +2 में कन्वर्ट होता है। लास्ट रिएक्शन है टिन की, जब हम SnCl2 की रिएक्शन AuCl3 के साथ में कराते हैं तो हमें SnCl4 और Au मिल जाता है। Au के इस कोलाइडल सॉल्यूशन को पर्पल ऑफ कैसियस कहते हैं, जिसको हम कोलाइडल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। अगर हमने SnCl2 की जगह पर AuCl3 के साथ में एल्डिहाइड की रिएक्शन की होती तो फिर इस बने हुए गोल्ड को पर्पल ऑफ कैसियस नहीं बोलकर हम इसको बोलते। हम बिल्कुल एंड पॉइंट पर आ गए हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जब हम नेस्लर रिजेंट की रिएक्शन NH3 से कराते हैं, ये ट्वेल्थ क्लास की एनालिटिक केमिस्ट्री में जीरो ग्रुप में अमोनियम का बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है और नेस्लर रिजेंट अमोनिया के साथ में ब्राउन कलर देता है और जो मिलन ऑफ आयोडाइड या मिलन बेस के नाम से जानता है। तो हम नेस्लर रिजेंट कैसे बनाते हैं, जब HgI2 और KI की रिएक्शन करते हैं तो हमें K2HgIO4 मिल जाता है, और जब इस K2HgIO4 और KOH को मिलाकर बच्चों नेस्लर रिजेंट कहते हैं, जब इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसका नाम होता है मिलन ऑफ आयोडाइड। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एडवांस पेपर एंड फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री टीचर। तो आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।